basically to help the cultural fraternity. This is our seventh year. And largely what we are doing is helping out the musical fraternity. इसके अंदर म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, मतलब कहीं से भी जो म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई भी जुड़ा हुआ है और कहीं भी सफरिंग हो रही है तो वी हेल्प आउट दिस पीपल एंड वी आर एबल टू डू इट ओनली बिकॉज ऑफ आवर पिलर्स ऑफ सपोर्ट लाइक पापॉन हु सो ग्रेसफुली हैव कम ऑन बोर्ड एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू दिस पीपल. हमारे दोस्त भी हैं और हमारे स्ट्रेंथ भी है हमारी, और इनके बिना मैं मतलब आई एम जस्ट मोटिवेटिंग द होल थिंग, द एंटायर जॉब इज डन बाय देम. संगीतम चैरिटेबल ट्रस्ट यू फॉर्मड एंड यू हैव बीन हेल्पिंग अदर पीपल, सो हाउ डिड दिस होल आईडिया केम, यू बीन अ म्यूजिक ऑनर योरसेल्फ सॉरी, सो कैसे आपने ये सोचा कि यू नो दिस वॉट. मैं और हरिहरन एक बार बैठे थे आज से 7 साल पहले एंड वी रेड अ न्यूज सेइंग बिस्मिल्ला खान साहब को भारत रत्न मिल रहा है, और उन्होंने कहा ये मुझे भारत रत्न मत दीजिए, मुझे 10 लाख रुपया दे दीजिए. सो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ दैट दिस इज़ द बिगेस्ट यू नो अवार्ड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. तो उस इंसान की हालत और उस इंसान की कैलिबर कुछ मैच ही नहीं हो सकता, मतलब वो भारत रत्न वापस देने को तैयार है ओनली फॉर 10 लाख रुपीज़. सो दैट इज़ द टाइम दैट दिस आइडिया जर्मिनेटेड एंड वी डिसाइडेड के नहीं, वी मस्ट डू समथिंग. The music industry is giving us so much pleasure. हम लोग सुनते हैं on you know all occasions. We are always listening to music. They are all giving us so much pleasure, and they are always standing by for any charitable cause. मतलब अगर आप cancer बोलिए, army बोलिए, कहीं भी बोलिए, musical fraternity, singers, composers ये खड़े रहते हैं और उनके लिए जो है पैसे collect करते हैं. लेकिन उनकी community के लिए कुछ fund drive नहीं हो रहा था suitably. So we decided we should do that. तो हमारी एक एक्टिविटी ये भी है अभी कि हम छोटे जो बच्चे होते हैं हु हैव गॉट दैट पोटेंशियल बट डू नॉट हैव द फाइनेंशियल मींस, तो हम उनको सुरेश वाडकर जी की स्कूल में भेजते हैं आजीवासन में, और वहाँ उनकी फीस है या उनको इक्विपमेंट चाहिए और दूसरी कोई हेल्प चाहिए तो हम वो भी करते हैं. जैसे सौरभ जी ने कहा है कि हम चैरिटी शोज़ करते हैं अक्सर किसी एक टॉपिक के लिए, कभी 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 फ्लड के लिए किया था, कभी जैसे बोला आर्मी के लिए, कभी यहाँ के लिए, कभी वहाँ के लिए. बट इन्होंने जब मुझे बोला कि रहमत के बारे में जो पता है बहुत सालों से, इनफैक्ट मैं लास्ट ईयर भी होने वाला था, मैं था नहीं शहर में तो आ नहीं पाया, और ये ऐसा कॉन्सर्ट है जिसमें म्यूजिशंस सारे मिलते हैं और बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, वो भी एक माहौल के बारे में बोल रहा हूँ मैं, कि माहौल भी बहुत अच्छा हो कि कोई भी स्टेज में आके आ जाते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा एक ब्रदरहुड होता है म्यूजिशियंस का वहाँ पे, वो अच्छा है. तो मुझे ये मौका लगा और जब मैंने देखा कि नीचे लिखा है कि फॉर म्यूजिशियंस बाय म्यूजिशियंस, तो मुझे तब समझ में आया जो ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि ये जो म्यूजिशियन जो चैरिटी करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, कभी एक चैरिटी शो में अक्सर क्या होता है, आप कुछ भी अगर एक करना चाहते हैं आप शो, तो एक एंटरटेनमेंट चाहिए और जिसमें म्यूजिशियंस आते हैं कि एक कॉन्सर्ट भी हो जाएगा सोच के. लेकिन ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ कि म्यूजिशियंस के लिए कोई, मैंने सुना है कि चैरिटी म्यूजिशियंस के लिए हो रहा है, म्यूजिशियंस औरों के लिए कर रहे होते हैं. मैं हाँ तो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे अगर सच में कोई म्यूजिशियंस के लिए ऐसे सोचता है नहीं इतना जैसे आप लोगों का ट्रस्ट ने सोचा है, तभी आई थिंक एवरी म्यूजिशियन इज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर यू नो वेंचर एंड योर जर्नी. क्योंकि एक तो इससे जो भी हेल्प मिलेगा म्यूजिशियंस को, बड़े बड़े लेजेंड से आज उनके नाम नहीं है, कुछ नहीं है, बट उनको देखता भी कोई नहीं है, और ना म्यूजिशियंस को कोई पेंशन मिलता है, ना कुछ हेल्प लाइन मिलता है, इट्स वेरी अजीब सा बात है. और म्यूजिक जो चीज़ है खाना पीना के बाद मुझे लगता है कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है आदमी सुबह से रात तक, अगर म्यूज़िक ना हो तो दुनिया पता नहीं कैसा होगा. हालांकि लगता है कभी कि म्यूज़िक के बिना भी काम हो जाएगा, नमक चावल दाल मिल जाए, मेडिकल मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, लेकिन म्यूज़िक नहीं होगा ना तब पता लगेगा कि दुनिया कैसी होगी, दुनिया कैसी, तो बेरंग हो जाएगी. हाँ तो ये जो है सबके रूम में सब गुनगुनाते हैं, और ये जो म्यूजिशियन इतना कर, ये जो कंट्रीब्यूशन है म्यूजिशियंस का, आर्टिस्ट का, पूरा कल्चर का, जो एक रिप्रेजेंटेशन भी होता है एक, कि आप अगर देखोगे शेक्सपियर में इस टाइम में इन्होंने ये लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी भी है. तो इनको जो कभी कोई सपोर्ट इस तरह से मिला नहीं है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि
I'm just grateful that you have made me part of this, so I'm thanking you. Is it all your support? No, thank you so much. मैं गा के तो कर नहीं सकता, कोई आता ही नहीं. नहीं, हम तो गा लेते हैं, हमें ये सब नहीं आता ना. अच्छी बात है. What is the highlight when it comes to performing? We just saw the rehearsal. That's so, what is your favorite and what is that one needs to look forward to? You're looking forward to yourself for a particular song and you would like to share it with the audience. In Rehmati? Yes. तो रहमते का यही है कि एक मौका भी मिलता है. एज आई सेड कि ये 7 साल हो रहा है रहमते का, बहुत बड़ी बात है कि आप अब तक ये संगीतम चैरिटेबल ट्रस्ट है हाँ टिके हुए और कर रहे हैं और सबको मदद कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. और ये माहौल ही ऐसा होता है यहाँ पे कि मैंने सुना है, मैं मिस किया मैंने लास्ट ईयर भी, कि बहुत सारे म्यूजिशियंस ऑडियंस में भी होते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि म्यूजिशियंस खुद आके, कभी कोई स्पॉन्टेनियसली आ गया. मैं तो चाहता हूँ कि मेरा सेट के बीच में कोई आके रोके मुझे, बोले तू मत गा मैं गाऊंगा. मैं तो इसके इंतजार में हूँ. हो सकता है एक आध गाना जो है कोई आएगा. हाँ, तो अनुप जी भी है, तलत जी है, जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं. तो बहुत अच्छा कॉन्सर्ट होगा. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सर्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वाइल. जब म्यूजिशियन सब मिलके करते हैं तो कॉन्सर्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल होता है. तो मुंबई में भी शोज बहुत कम होते हैं, तो ये मौका मिला हमें कि मुंबई में एक शो मिला है करने को मुंबई ऑडियंस के लिए. तो अभी बस ज़्यादा दिन नहीं है, तो आई एम होपिंग कि मुंबई के जितने लोग आ सके इस इवनिंग का मज़ा भी उठाए एंड बी पार्ट ऑफ द कॉज ऑल्सो. वही अब पारस को दिखा तो मैं वही गा लेता हूँ. मैं पारस जी ने बजाया मेरे गाने में. तो ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना रागे किस तरह गिर है ये सुलझे. बाकी वही सुलझेगा उसी शाम को, आइए सब लोग एक साथ मिलेंगे. Honestly, आप लोग जो कर रहे हो, because everybody in their good times, in their bad times, in their celebration, music तो हर एक जगह है. कल मातम छा हुआ तो भी म्यूजिक है, पूजा हो रही तो वहाँ भी म्यूजिक है, खुश है दुखी है कुछ भी है, म्यूजिक तो है ही. पैदा हुआ है तब. हाँ, तो मतलब उसके सिवा कुछ चलता ही नहीं है. और इतने लोगों ने इतना काम किया तो उनको एक ट्रिब्यूट देना है. तो एक खयाम साहब को इस टाइम ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम. तो उसमें वी आर होपिंग दैट ऑल थ्री ऑफ दी स्टार्स विल परफॉर्म टुगेदर and do some work, do some song together. Sir, there's also, I don't know if it's a surprise, Paras ne bhi bataya, jo Urban Jodi jo band launched. So this is the first time we are launching a band where by lot of genres will be very seamlessly fused. So the trick is to fuse it seamlessly, because each genre has its own individuality, it has its own scales, its own rhythms, its own identity. So I have got a lot of good musicians who are helping us to do that and fuse it together and bring back some old music along with the traditional, some new songs, and it will be a very interesting amalgamation of the whole thing. So what date, Saurabh, can you share with the audience? So it is basically 25th. 25th September ko hai, 2019, abhi hai. Shanmukhananda. At 7 o'clock at Shanmukhananda Hall in Sion. And tickets कहाँ मिल रहे हैं? Tickets are all on Book My Show में मिल रहे हैं. आइएगा जल्दी से लीजिए, बाकी है तो टिकट, बहुत ही कम टिकट बाकी, तो जल्दी खरीद के आइए. आइए सब लोग. थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज माई रहमते फैमिली. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू, दे आर ऑल्सो द पिलर्स ऑफ रहमते. दीज आर द पीपल हु आर डूइंग एवरीथिंग फॉर सो मेनी इयर्स. कांट थैंक देम इनफ. एंड शान हैज बीन सो वंडरफुली सपोर्टिव, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. And I surprise always, the cause of Rehmate has always been so special to all of our hearts, because वैसे charity shows तो you know साल में कहीं कर ही लेते हैं, लेकिन अपने community के लिए, अपनी fraternity के लिए, giving back to them, some of our great legendary musicians जो आज you know retired हैं, या फिर उस तरह से you know they are not in that
level of to be able to sustain. So to unko ek honorarium, unko tribute aur unko ek respectfully ek rakam karna, more than the amount, I think it is to give them that recognition that is so they so duly deserve. Remembered, yeah. Yes. Jaise is saal Vanraj Bhatia ji hain, who's you know, who's a नेशनल अवार्ड विनर और श्याम बेनेगल के कितने सारे कमाल कमाल की फिल्मों में उनका म्यूजिक रहा है. सो टू रिमेंबर देम टू थ्रू दिस शो इज अ वंडरफुल ऑपर्चुनिटी दैट सरवाई गिव्स अस आल्सो. मजा आता है. और पापन अने बता चुके हुए कि चैरिटी ऐसा कोई फंक्शन हो शो हो तो हर जगह सौरभ जी ने बोला था बहुत अच्छी तरह से कि एक इवेंट होता है चैरिटी का और उस पर एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होना होता है जिसमें म्यूजिशियंस कहीं ना कहीं फिट हो ही जाते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट है तो मतलब म्यूजिशियंस हैं ही. तो हमने काफ़ी चैरिटी शो सबने किया है म्यूजिशियंस ने, बट म्यूजिशियंस के लिए मैंने सुना नहीं कि कहीं हुआ हो. तो इट्स अ ब्यूटिफुल जेस्चर जो आज गा नहीं पाते, बजा नहीं पाते, कला से थोड़ा दूर है क्योंकि बीमार है या फिर बूढ़े हो चुके हैं, उनको भूल जाते हैं लोग, उनको सपोर्ट करने के लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नोबल कॉज. एंड मेरी किस्मत है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस एंड दिस इज द सेवेंथ ईयर. होता रहे ऐसा, लोगों का सपोर्ट मिलता रहे. ये सच गुड फ्रेंड्स पापा ने मिली, लेकिन ये पहली बार हम लोग साथ में परफॉर्म करेंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट टू. पिछली बार अंकित भी थे और हम लोग ने, मुझे भी होना था पिछली बार, बट आई वाज नॉट इन टाउन. तो चलिए, दिस इज इट. रमते 7, प्लीज कम सून. एंड जो भी टिकट बचा है तो वो ले लीजिए एंड लेट्स हैव अ ग्रेट नाइट. सर संगीतम चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटी शो है ये, जिस चैरिटी किस चीज की है वो जानना चाहिए. चैरिटी तो हम म्यूजिशियंस के लिए कर रहे हैं, तो एक कॉज तो ये है कि हम छोटे बच्चे जो हैं पोटेंशियली हुआ वेरी गुड, तो उनको सुरेश वाडकर जी की स्कूल है आजीवासन करके, तो सुरेश जी उसमें से बच्चे सिलेक्ट करके हमको कहते हैं, उनको इक्विपमेंट चाहिए, सुरेश जी की फीस देनी है स्कूल की, उनको और भी कुछ सहायता चाहिए तो हम वो भी देते हैं. क्योंकि कुछ लोग आते हैं कानपुर से, एक लड़का आया था वन वे टिकट लेके आया, बोलता वापस जाऊंगा ही नहीं, तो उसके बाद रहने खाने के पैसे भी नहीं है, तो हम उसको वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं. और प्लस आई एम आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ आजीवासन. जी तो फिर आई नो हाउ वंडरफुल इफेक्टिव एंड इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट. मैं तो बहुत बुरा स्टूडेंट था, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए थे वहाँ से जो बहुत आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है जो मिल रहा है बच्चों को. एंड ऑफ कोर्स ऐसे कुछ हमारे म्यूजिशियंस हैं जो हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार को ये ना लगे कि वो आज नहीं है तो हम उन्हें भूल चुके हैं. पिछले 3-4 महीनों में ही काफ़ी हमारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं जो ऑफकोर्स खयाम साहब तो हैं ही, मोहम्मद अजीज साहब और कुछ उनकी भी बेटी होपफुली वी विल हैव हर टू परफॉर्म विद अस, शी विल बी परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सना अजीज, तो उनके ही मोहम्मद अजीज साहब के कुछ गाने वो परफॉर्म करेंगी. साथ रमेश अय्यर जी हैं जो बहुत ही आरिबन साहब जैसे बहुत ही बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ उनका नॉट जस्ट एज अ म्यूजिशियन बट ऑल्सो एज अ अरेंजर उनका योगदान रहा है. हमारे सुनील दास जी जो सितार में 70s 60s से लेकर 90s तक की कोई ऐसा सितार का पीस नहीं है जो उन्होंने नहीं बजाया. सो ही वेरी प्रोलिफिक प्लेयर हु वी लॉस्ट जस्ट मंथ अगो. तो वी प्लान टू डू समथिंग ऑन देयर, उनको भी याद करेंगे. संतोष आनंद जी हैं जिन्होंने लिखा एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, क्या बात है. तो उनकी भी जो है अभी उनको भी फेलिसिटेट कर रहे हैं, वाह, ऑनर कर रहे हैं. म्यूजिशियंस क्या बहुत खुददार लोग होते हैं जी. क्या तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ. व्हाट अ लवली लाइन है. संतोष जी भी रहेंगे. सो वंडरफुल ये चीज होगी. और एक ऐसा ही शो है रहमते जहाँ चाहे हम परफॉर्म करें ना करें हम सब अटेंड करते हैं. तो हमारी फ्रेटर्निटी की एक अपनी शो है. एंड वैसे सौरभ जी शायद आपको नहीं पता होगा इनके घर की महफिलें भी कमाल होती हैं. तो इट्स रियली एन एक्सटेंशन ऑफ हिज महफिल एट होम. एब्सोल्युटली. एज शर्मगनंदा ऑल. सर 7 years है रहमते का, इस ईयर क्या स्पेशल है, क्या डेडिकेटेड है, किसको डेडिकेटेड है, कैसा आएगा शो? ट्रिब्यूट है खयाम साहब को. So there's going to be, you know, jamming between all the artists and hopefully some of the guests who are sitting down will also come and sing with them. मतलब मैं हमेशा बहुत सारे सिंगर जो स्टेज पे होते हैं और जो नहीं होते वो भी ऊपर आके गाते हैं. कभी कभी जो गाना है दैट इज यश चोपड़ा जी का की फिल्म है एंड इट्स हिज बर्थडे आल्सो ऑन द 25th ऑफ
सो एक तरह से उन्हीं को भी याद करेंगे। यश जी को भी जा रहा है। और मैं एक बहुत मेरा जो सेट है पवन, मैं आपको भी बता दूं या सरप्राइज रखें, नहीं बता ही देते हैं कि मैंने एक हमेशा रहमते में ना कुछ अलग करने की कोशिश की है, तो इस बार मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ टू ऑल द लिब्रंस। ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है। माय डॉटर इज लिब्रन। सी समवन हैज सम कनेक्शन ना। आई थिंक दुनिया में लिब्रंस वैसे भी थोड़े ज्यादा हैं। जनवरी फेब इज अ नाइस मंथ द ईयर एंड देन मोस्ट ऑफ यू नो तो अक्टूबर फेब आई मीन हाँ, लेकिन नहीं मैं बोल रहा हूँ इसलिए सितंबर अक्टूबर तक काफी दुनिया में बच्चे आ जाते हैं। कपल ऑफ ट्रिब्यूट्स मैं वो नवंबर के लिए कहता हूँ मनाने के। चलो फिर जल्दी भी हो। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रिब्यूट्स। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रिब्यूट्स टू राइट फ्रॉम, अगर आप देखें लिब्रंस जो म्यूजिक से या बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, इंटरेस्टिंग मैसिव आई मीन सबसे आप इमेजिन हो यार इन टर्म्स ऑफ रोमांस से देवानंद साहब, इस्लाम स्टाइल फिरोज खान साहब, मैचुअलिज्म विनोद खन्ना साहब, ऑल लिब्रंस, ओवरऑल अमिताभ बच्चन, रेखा, कॉमेडी में देखें तो महमूद साहब, शम्मी कपूर जी इन टर्म्स ऑफ यू नो डांस म्यूजिक एंड द होल थिंग, आशा पारिक जी, तो आई माइट बी मिसिंग अ फ्यू बट क्वाइट अ फ्यू लिब्रंस। हाँ मैं भी हूँ, लता जी है, लता जी ऑफ कोर्स द बिगेस्ट आईसी का केक इज लता जी। लगता है एक पूरा प्रोग्राम ही कर सकते हैं लिब्रंस पे। हाँ तीन चार घंटे का बिल्कुल। गांधी जी भी लिब्रंस है, भजन भी गा सकते हैं, तो अनुप जी को बुलाना पड़ेगा। So tribute to Librans. Yeah, that's a nice one. Lastly, आप अरबन जोगी का जो ये है ये लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में कुछ। So this is the first band which will have all the genres of music, which will be fused very seamlessly. But depending on the concert, depends on where we are performing, there will be a different segment that will be devised every time. And an amalgamation that will be very interesting, very exciting. भाई आइए जल्दी जल्दी आइए, और दिस इज अ यूनिक शो क्योंकि नॉर्मली आप एक आर्टिस्ट को मिलते हैं या दो, यहाँ पे तीन तीन तो स्टेज पे हैं और कम से कम 20 ऑडियंस में होंगे, ऐसा वाला शो कम होता है जहाँ पे स्पॉन्टेनियस होता है सब कुछ, म्यूजिशियंस के फैमिली होता है बहुत बहुत, मैंने सुना है मैं बिल्कुल हाँ ऐसा होता है। तो आइए, लास्ट टाइम भी बपीदा अलका जी 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 देन जतिन, they all came on the stage and they sang for 20 minutes. Right. Hamesha, it's more than one expects. So, काफी shows होते हैं, promises होती हैं, लेकिन ये जो हो जाता है, it's जो चीज unplanned होती है, वो कहीं ना कहीं magical होती है, क्योंकि it is something that is just जैसे अभी जो आप लोगों ने कर दिया ना, वो एकदम magical था। मतलब एक महफिल है जो हम jam करते हैं musicians, वो आप stage पे होगा, उस तरह का होगा, और 25 September को है। 25 सितंबर को अभी अभी है और बुक माय शो में है, ठीक है, बुक माय शो में टिकट्स हैं, प्लीज कम एंड बाकी सरप्राइज रहेगा। हां बिल्कुल, लिब्रा तो निकल चुका है, लिब्रा वाला सरप्राइज निकल चुका है, बाकी और भी सरप्राइजेस हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए कभी कभी। और अगर तल जी आए ना, हम फिर छिड़ी रात बात, और हम साहब के इतने कमाल कमाल के सब गाने हैं, तो वो जैम हम करेंगे ही, साथ साथ और भी प्लानिंग चल रही है अभी, जो अभी फिलहाल आपको हम फाइनल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वे प्लानिंग सम प्लान हुआ ही नहीं अभी, तो कुछ हां अभी तो मिले ये प्लान वही करेंगे, होगा वही जी जी, सेट स्टेज पे ही खड़े रहकर करेंगे। ओके सी गाइस ऑन स्टेज, इतने अमेजिंग सिंगर्स हैं, इनको प्लान करने की जरूरत ही नहीं है, वो खड़े रहकर गुनगुनाएं तो लोग जो है उनको और 3 घंटे तक नहीं जाने देंगे। कुछ चीजों पर हम सहमत है और कुछ चीजों की रहमत होगी, अच्छा ही हो जाएगा। दैट्स नाइस, फाइनली रहमत है, वेरी गुड जी, रहमत है, थैंक यू।